और देश आज रोशनी का त्यौहार दिवाली मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति कोविंद ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली बुराई पर अच्छाई की और अंधकार पर प्रकाश के विजय का पर्व है। आइए हम सब मिलकर इस त्योहार को स्वच्छ और सुरक्षित तरीके से मनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये प्रकाश वर्ष आप सभी के लिए जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। अमित शाह ने देशवासियों को बधाई देते हुए कहा, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का ये महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे। राजनाथ सिंह ने देश में समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि दीपावली के पावन पर्व की आपको एवं आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व आप सभी के जीवन में उल्लास, उन्नति, सुख एवं समृद्धि में अभिवृद्धि करे, यही ईश्वर से कामना है। राहुल गांधी ने इस मौके पर भेदभाव मिटाने की अपील करते हुए कहा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यही दीपावली का संदेश है। अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली हो। इसके अलावा भी तमाम नेताओं ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।